बड़ी खबर आपके सामने, ब्रिटेन को सता रहा है परमाणु हमले का डर। लोगों को 3 दिन का खाना स्टॉक करने की सलाह दे दी गई है। ब्रिटेन के डिप्टी पीएम ओलिवर डाउडेन की तरफ से अपील की गई, तो ये खौफ इस वक्त ब्रिटेन में नजर आ रहा और परमाणु हमले का डर ब्रिटेन को सता रहा। तो रूस ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि उसकी धरती पर जिन देशों के हथियारों से हमले हो रहे हैं वो उसका वैध टारगेट है, यानी वैलिड टारगेट है। 23 देशों की सीक्रेट रिपोर्ट है कि रूस यूरोप पर टैक्टिकल परमाणु हमले की तैयारी भी कर चुका है। ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस विंग ने कहा है कि पुतिन ने परमाणु युद्ध के 10 चरण तय कर लिए हैं, पुतिन के टारगेट फिक्स हो चुके हैं। ऐसे में ब्रिटेन को न्यूक्लियर अटैक का डर सता रहा है। तो ब्रिटेन के डिप्टी पीएम ओलिवर डाउडेन लंदन रक्षा सम्मेलन को दरअसल संबोधित कर रहे थे। न्यूक्लियर अटैक के खतरे को देखते हुए क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए, क्या कहा गया आप देखिए। सरकार की क्या तैयारी है आप जरा जान लीजिए। नई वेबसाइट, इमरजेंसी अलर्ट, मोबाइल अलर्ट, बाकायदा ये सरकार की तैयारियों में शुमार है। इसके अलावा ब्रिटेन के लोगों को क्या स्टॉक करने के लिए कहा गया है ये भी आप जानिए। कहा गया 3 दिन का भोजन स्टॉक करना है, बोतल बंद पानी है, मेडिकल किट को रखना जरूरी, टॉर्च और कार, ये सारी जो सलाह है वो लंदन के डिप्टी पीएम ओलिवर डाउडेन की तरफ से कही गई है। और मनीष झा का हम सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, आखिर कितना ज्यादा रियलिस्टिक है ये जो डर, ये जो खौफ लंदन के अंदर नजर आ रहा है? देखिए, हमने देखा कि किस तरह से रूस अपना न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है यूक्रेन के इलाके में। रूस का न्यूक्लियर ड्रिल इस बात को बताता है कि रूस ने अपने हिसाब से कैसी तैयारी कर रखी है। और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो रूस कम से कम टेक्टिकल वेपन के इस्तेमाल से परहेज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ब्रिटिश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो या यहाँ तक कि ब्रिटिश के रक्षा मंत्री और प्राइम मिनिस्टर भी कई बार इसकी आशंका जताते रहे हैं। और इन सबको रूस ये कहकर खारिज कर देता है कि ये रूसोफोबिया है, जिसमें केवल ये कहा जा रहा है कि रूस ऐसा कर सकता है, लेकिन इसकी नौबत क्यों आएगी इसकी चर्चा नहीं होती है। मसलन, नाटो के सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं या वहां पहुंचने वाले हैं, और इसकी वजह से फटेगा इस बात को ना अमेरिका ना नाटो के कोई देश स्वीकार करने को तैयार है कि उनकी भी जवाबदेही बन रही है इस युद्ध को बढ़ाने में। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और अब बात हूती के विध्वंसक एजेंडे की करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है हूती को लेकर, अमेरिका का बड़ा दावा है यमन में हूती विद्रोहियों के पास खतरनाक हथियार हैं, भूमध्य सागर तक हमला कर सकता है हूती। तो हूती के विध्वंसक वेपन को लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने क्या दावा किया यह आप जरा जानिए। ग्राफिक्स के जरिए सारी डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। दरअसल हूती विद्रोहियों के पास विध्वंसक हथियार, कहा गया भूमध्य सागर तक जहाजों पर हमले की क्षमता ये रखते हैं। और हूतियों के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा भी है, वहीं एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती भी की गई है। हूती ने हमलों में ड्रोन का भी अब तक इस्तेमाल किया है। तो देखिए, ये है जानकारी से जुड़ी हुई। एक और खबर है उत्तरी गाजा से विध्वंसक जानकारी है, इजरायली सैनिकों पर हमास का हमला, हमास स्नाइपर्स ने IDF सैनिकों को अपना निशाना बनाया है। हमास ने जारी किया है हमले का वीडियो। देखिए, स्नाइपर्स ने IDF सैनिकों को अपना टारगेट बनाया, निशाना बनाया और उसके बाद हमला किया गया है। बाकायदा हमास ने ये वीडियो भी जारी करके बताया है। तो आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इजरायली सैनिक जो है वो आपको नजर आ रहे हैं और हमले का जो वीडियो है वो जारी किया गया। आप जरा देखिए, हमास की तरफ से यह हमला किया गया इजरायली डिफेंस फोर्स पर, IDF पर, उनके स्नाइपर्स की तरफ से। उत्तरी गाजा की तस्वीरें यहां पर, ये देखिए ये तस्वीरें जारी की गई, कैसे जो हमास के स्नाइपर से उन्होंने हमला किया। एक एक जानकारी, एक एक वीडियो, यानी अपना दमखम दिखाने की कोशिश की गई है हमास की तरफ से। बिल्कुल, हमास की ओर से यह बताया जा रहा है हमले का वीडियो जारी करके कि अभी भी IDF पर वो भारी पड़ रही है। देखिए, टारगेटेड ये अटैक था जिसमें सबसे पहले सैनिकों को निशाना बनाया गया और IDF के सैनिकों पर ये बड़ा हमला किया गया, स्नाइपर्स पर ये बड़ा अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर है, ईरान पहुंचा हमास चीफ इस्माइल हानिया, खामनेई से मिला हमास चीफ इस्माइल हानिया। ये जानकारी है, रईसी की मौत के बाद खामनेई से मुलाकात हुई है। आज की बैठक में हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हानिया ने कहा, मैं महामहिम और ईरान के भाईचारे वाले राष्ट्र और ईरान के अधिकारियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इब्राहिम रईसी के परिवार से मिले हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने।
रईसी के परिवार से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना दी। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने शहीद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, बात करते हैं दुनिया में दहशत के एजेंडे की। ब्रेकिंग न्यूज है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बड़ी धमकी, इसराइल को गाजा में घुसपैठ रोकनी होगी। एर्दोगान ने कहा है घुसपैठ नहीं रुकी तो नए संघर्ष शुरू होंगे। तो तुर्की के राष्ट्रपति ने क्या धमकी दी है यह आप जरा जानिए। दरअसल इसराइल गाजा में घुसपैठ रोकनी होगी, ये कहा गया। दुनिया को नए संघर्षों का सामना करना होगा। गाजा पट्टी में अपराध के लिए इसराइल जिम्मेदार है। इसके अलावा यह कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू को पश्चिमी देशों को समर्थन है, पश्चिमी देशों का समर्थन। फिलिस्तीन में नरसंहार को रोकना असंभव है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट से जंगी बिसात बिछ गई है और इसी की मौत के बाद से हलचल बहुत तेज है। ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष का रुख करेंगे। इसराइल गाजा में घुसपैठ रोकने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में वो दिन दूर नहीं है जब बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। रईसी की मौत के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही है मनीष। बिल्कुल, देखिए मध्यपुर का जो तनाव है वो और अधिक बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसके कई कारक हैं। लेकिन जहां तक तुर्की के राष्ट्रपति की धमकी का सवाल है तो मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से जब इसराइल ने गाजा पर कार्रवाई की तब से गाजा या फिलिस्तीन के लोगों को ये उम्मीद थी कि तुर्की की तरफ से कुछ किया जाएगा। लेकिन आज लगभग 7 महीने से अधिक का वक्त बीत गया है बट अभी तक कुछ हो नहीं पाया है तुर्की की तरफ से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तुर्की की भूमिका होगी ऐसा तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से हमास सिर्फ एक्टिव है, हमास सिर्फ ईरान मिलने गए या फिर ईरान के जो दूसरे और प्रॉक्सी हैं वो जिस तरह से इस युद्ध को बढ़ा रहे हैं, या आने वाले समय में अगर रईसी की मौत में इसराइल की कहीं से कोई भूमिका नजर आती है तो फिर ईरान और इसराइल के बीच का सीधा संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को उस उफान पर लाकर देगा जहां की केवल और केवल तबाही ही होगी। बिल्कुल, तो इब्राहिम रईसी की मौत के बाद मनीष जो हालात है वो लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं मध्य पूर्व में।